वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपना परिचय अंग्रेजी में कैसे दें। तो बेटा, आज आपका सारे कंप्लेन दूर कर रहा हूँ। जितने भी मैसेज किया, आप आराम से इस वीडियो को देखो शुरू से लास्ट तक, और जितने बेस्ट हो सकता है आप आज के बाद अपना परिचय अंग्रेजी में सबसे बेहतर दोगे, इंडियाज नंबर वन करके देखते हैं। सबसे पहले जब भी हो तो नॉर्मल किसी से मिलो, किसी अनजान जगह पे जाओ, किसी सभा में, किसी मीटिंग में, और किसी भी 50 लोगों के सामने खड़े हो, आपको अपना परिचय देना है तो आराम से कैसे दें, इसके दो तरीके मैं दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट, अगर मिलना है किसी फॉर्मल से तो आराम से बोलो हेलो फ्रेंड्स, राइट, हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, आप प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको क्या बोलना चाहिए, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अगर ऐसा नहीं बोलना चाहते तो आप क्या बोलेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ऐसा नहीं बोलना चाहते क्या बोलेंगे, आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, या आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, या फिर एक तरीका और है, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो एक तरीके से आपने कहा कि मैं अपने बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, तो आपने क्या कहा, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। इसके बाद आप अपना परिचय देना शुरू करेंगे तो क्या बोलेंगे, माई नेम इज, तो माई नेम इज राजेश, माई नेम इज धर्मेंद्र, माई नेम इज सुमित, तो जो आप चाहें वो आप खाली स्थान भर लें, तो माई नेम इज सुधीर, माई नेम इज अमित, माई नेम इज रिया, माई नेम इज प्रिया, तो जितना मर्जी हो आपको बोल लेना है। तो माई नेम इज धर्मेंद्र, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट मुखर्जी नगर, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट मुखर्जी नगर, आई एम लिविंग एट मुखर्जी नगर, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सन, आई हैव ऑलवेज इन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन। क्लियर, तो यहां तक हमने क्या बोला, आप अपने बारे में बताएं कि हम किस तरह के लोग हैं। क्लियर, अबाउट माई क्वालिफिकेशन, एट प्रेजेंट आई एम अ टीचर, अबाउट माई क्वालिफिकेशन, एट प्रेजेंट आई एम अ स्टूडेंट। क्लियर, तो जैसे मर्जी बोलना आपको, तो अबाउट माई क्वालिफिकेशन, एट प्रेजेंट आई एम अ टीचर, प्रायर टू इट, इससे पहले की बात कर रहा हूं आपको, तो प्रायर टू इट आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलकाता, तो जो भी आप जहां से हो वैसे आपको बोलना है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, आपका मैथ है तो क्या बोलोगे, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, अब आपको कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना है, तो हमने क्या बोला, लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू हाई क्लास फैमिली, व्हाट एवर यू वांट टू से, तो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, माई फादर ही इज अ टीचर, माई फादर ही इज अ टीचर, एंड माई मदर सी इज अ हाउस वाइफ। क्लियर, एंड वी आर फोर सिबलिंग्स, वी आर टू सिबलिंग्स, वी आर थ्री सिबलिंग्स, भाई बहन कितने हैं। क्लियर, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। क्लियर, जो मैंने कहा उसको एक बार फिर से आप आराम सुनिए, हमने कहा आई वॉन्ट टू टेक यू इंट्रोडक्शन, आपको बोलना है फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज धर्मेंद्र कुमार, I was born and brought up at Mukherjee Nagar. I am living at Mukherjee Nagar. I am a straightforward and sophisticated person. I have always been positive attitude towards everyone. About my qualification, at present I am a teacher. Prior to it, I did my graduation from Delhi. My favorite subject is English. Let me tell you about my family background. I belong to middle class family. My father, he is a businessman. And my mother, she is a housewife. I am two siblings. My hobbies are reading books, listening to music, etc. Thank you very much. इस तरह से हमने बोला, और इस तरह से काम करके आप बेहतर एक अपना परिचय दे सकते हो, आप बेहतर काम कर सकते हो, और इस वीडियो को जितना बेहतर तरीके से हो सकता है उन सारे बच्चों को आप दीजिए जिनको
कभी भी अपने परिचय देने में प्रॉब्लम होता है, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, इन सारे बच्चों को आप मदद करिए और पूरे भारत में ये वीडियो फैलना चाहिए बड़े आराम से। और हाँ, अगर आप सिस्टमेटिक क्लास चाहते हैं तो आप एक बार YouTube पे पढ़ करके साथ साथ Google पे सर्च करिए dslenglish.com। और अब दिल्ली दूर नहीं, आप चाहें तो दिल्ली भी आ सकते हैं एक सिस्टमेटिक क्लास करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।